हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मसाला भून रही हूँ। तो मसाले में सौंफ, जीरा, धनिया और लाल मिर्ची को भून लिया है। इसके बाद मैं चटनी बना दूँगी अमचूर की, इमली और अमचूर की मीठी वाली, गुड़ डाल के। काफ़ी लोग चीनी डाल के भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी गुड़ डाल के सिर्फ पति देव के लिए बनाई है, उनको ही चाहिए थी। इसके बाद मैंने जो है आलू को मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा मैंने डाला है उसका आटा, चावल का आटा। आप लोग कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चावल का आटा डाला है। इसके बाद मैं पानी ऐड कर लूँगी, बना लूँगी टिकिया का, यानी पानी पूरी का। और यहाँ पे मैंने खट्टी चटनी बना ली है, जो मैंने मसाला तैयार किया था उसको भी ऐड कर दिया है। ये वाला मसाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं आज आलू चाट बनाने वाली हूँ, आलू टिक्की और पानी पूरी, तो दोनों चीज़ें बनाने वाली हूँ। बच्चों का काफ़ी टाइम से मन था, यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर दिया है, सारा कुछ ऐड कर दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था आज का वो। आप लोग चाहें तो इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे देखो आलू और आलू का मसाला रेडी कर लिया है और टिकिया, तो आ जाइए आप लोग भी। हम लोगों के यहाँ टिकिया बोलते हैं, तो बस मैं आप लोगों को टिकिया बोल के बता रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आलू टिक्की रेडी कर ली थी, थोड़ा सा बटर डाला और इसमें आलू टिक्की को इस तरीके से भून लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक, अच्छी कुरकुरी हो जाएगी तब तक भूनूँगी मैं इसको। और इसके बाद फिर इसी में थोड़ा सा प्याज वगैरह ऐड करके मसाला करके टिकिया बनाऊंगी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है आलू टिक्की बनी थी मेरी, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी बनेगी। मैंने सेकंड टाइम बनाई थी, पहले मैंने एक बार और बनाई थी, इसके बाद कभी नहीं बनाई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन गई थी। तो हरी चटनी हो तो हरी चटनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास हरी चटनी नहीं थी। हमें मीडियम आँच पे सेकना है, बहुत ही तेज़ पे नहीं सेकना है, बहुत ही सिम पे नहीं सेकना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं सेक लूँगी फटाफट से। इसके बाद मैंने यहाँ पे वो कर दिया है, प्याज वगैरह ऐड कर दी है। हरी मिर्ची मैंने ऐड नहीं की है, क्योंकि मेरे घर में हरी मिर्ची कोई ज़्यादा नहीं खाता है। मैं बस खाती हूँ तो मैं बाद में खा लूँगी, मतलब अलग से मेरे अपने लिए बना लूँगी एक। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बच्चों के लिए बना दूँगी, तो एक अदिति के लिए हो जाएगी, एक जो है उनके पापा के लिए हो जाएगी, दोनों के लिए हो जाएगी एक एक, क्योंकि पानी पूरी भी है तो इतना ही खाएंगे। और आप हमारे घर में रात में खाना नहीं बनाया जाएगा, तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैंने जो है टिक्की वाले आलू, जो कि आलू टिक्की वाले भैया होते हैं, उनसे सीखा था। तो बस यहाँ पर मैंने मटर ऐड कर दी है और इसके बाद सारे सूखे मसाले ऐड कर दूँगी, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा, और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और घर की चीज़ों से ही मैंने जो है चाट बनाई है, मैंने कुछ भी मार्केट से नहीं मंगाया है, सिर्फ जो है चाट मसाला, इसके अलावा कुछ भी मैंने मार्केट से नहीं बनाया, सारा कुछ घर में ही अवेलेबल था। तो मैंने छोले चाट नहीं बनाई है, मटर वाली चाट बनाई है। और इसके बाद मैं कर दूंगी थोड़ा सा बटर ऐड, ताकि इससे जो है फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा और खाने में। तो बस मेरी जो है आलू चाट बन के रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा वो डाल दूंगी जो भी मुझे डालना हो, यानी कि आलू टिक्की के ऊपर करेला डालना होता है कुरकुरा होने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने चटनी ऐड कर दी है, खट्टी मीठी दोनों ही, पति देव को खट्टी मीठी पसंद है तो उनको खट्टी मीठी ऐड कर दी है। थोड़ी सी मैंने एक फुल्की जो है तोड़ के डाल दी है, और प्याज ऐड कर दूँगी, हरी धनिया पत्ती हो तो उससे भी गार्निश कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास में वो हो, जैसे कि अनार का दाना हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। सो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। आलू चाट जो है बन के रेडी हो चुकी है, कैसी है।